Good morning, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ, once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में. हमारे पास में जो पहला वर्ड आने वाला है बेटा, जिससे हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रूडीमेंट्री. वापस से हम लोग बोलेंगे रूडीमेंट्री. अब रूडीमेंट्री को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एकदम से इसका मीनिंग हमारे लिए जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो आप इसको कोशिश करना कि एलिमेंट्री के सेंस में यूज करना. एलिमेंट्री का आप एक्सप्रेशन यूज करोगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगी कि एलिमेंट्री जो आपके पास स्टार्टिंग की होती है. बच्चों को अगर हमें कभी भी कोई भी ज्ञान की बात सिखानी होती है, अच्छी बात सिखानी है, अच्छे संस्कार सिखाने हैं, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, मौलिक है, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको बोलते हैं रूडीमेंट्री, जो कि एलिमेंट्री लेवल पे होते हैं. वेरी बेसिक, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बेटा कि सिंपल होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उनको रूडीमेंट्री. वेरी बेटा, आपके पास में जैसे हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें रूडीमेंट्री को, तो ये आपके पास में एक तरीके से एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है. और हम लोग इसके सेंस में जो वर्ड देखने वाले होंगे, जिनको हम लोग सिनोनिम्स बोलने वाले हैं, जिनका सेम मीनिंग कन्वे हो रहा होगा, वो भी आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही लाइक करेंगे. ठीक है, आपके पास में जो है प्रिमिटिव होती है. प्रिमिटिव वैसे तो प्राचीन के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन प्राचीन जो आपके पास में होते हैं, आपको पता है कि वही हमारे पास में इनिशियल लेवल पे थे. ठीक है, सिंपल हम लोग बोल सकते हैं बेसिक, क्रूड, एंशियंट. वी कैन से एंशियंट का अगर हम लोग सेंस देखना चाहें और प्रिमिटिव का सेंस देखना चाहें, तो दोनों का बहुत हद तक जो मीनिंग हम लोग कन्वे कर रहे हैं वो प्राचीन होता है. अब बहुत सारे कहेंगे कि सर एलिमेंट्री का जो सेंस है वो हमारे पास में प्राचीन को लेके कैसे बात करेगा. तो आपके पास स्टार्टिंग में जब हम लोग देखें, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हमारा नाम जो बायोलॉजिकल नाम है वो क्या है, होमो सेपियन सेपियन. तो जहां से हमारे जितने भी पूर्वज रहे होंगे, जो कि स्टार्टिंग में रहे होंगे, तो उन्होंने बेसिक काम क्या किए थे, स्टार्टिंग के जो बेसिक काम थे उनकी बात हम लोग करें, तो वो चीज एक सेंस में ये प्रिमिटिव या फिर एंशियंट वाला मीनिंग कन्वे कर लेंगे. लो हम लोग बोल सकते हैं, अर्ली बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी हमारे पास में फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम लोग कह सकते हैं कि चीजों में हम लोग लैग करते थे. अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अर्ली स्टेज थी इंसान की. ओल्ड भी हम लोग कह सकते हैं, ओल्ड एजेस की बात हो रही है, मतलब प्राचीन समय में ऐसा होता था, लाइक एंशियंट टाइम की हम लोग वहां पर बात करें. एंशियंट टाइम पर जब भी अगर हम लोग देखें, तब भी बच्चे तो ऐसे रहे होंगे, धीरे धीरे चले होंगे, पहले उन्होंने ऐसे यूं यूं चलना सीखा होगा, फिर पेड़ों पर खड़े होना सीखा होगा, इस तरीके से हुआ होगा, तो वही प्रोसेस रहा होगा. तो ये चीज आपके पास बहुत बेसिक है, मौलिक है. ठीक है, कोई बच्चा पहले ऐसा लेटर रहेगा, फिर थोड़ा सा उसको फील होगा कि हाँ मैं अपने हाथों से भी अपना खुद के का जो बॉडी वेट है वो कैरी कर सकता हूँ, तो फिर वो ऐसे होने की कोशिश करेगा. ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं. इसका उल्टा जहाँ पर चीज़ों में हमें थोड़ी मॉडर्न चीज़ें देखने को मिलती है, एडवांस चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो भी आपके पास में अपोजिट होंगी किसके लिए, रूडीमेंट्री के लिए. ये जो जैसे ही चीज़ें एडवांस होती जाती है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है. अभी हम लोग देखें, हम लोग भी तो एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि हमें प्राचीन रहना है कि मॉडर्न होना है, और बहुत सारे इस बीच में इस डायलेमा में फंसे हुए जाते हैं, और फिर वो जो सिचुएशन उनके दिमाग में बन जाती है वो हो जाती है कॉम्प्लेक्स, वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, इंट्रिकेट भी हम लोग बोलना चाहें, और सोफिस्टिकेटेड भी हम लोग बोल सकते हैं. सोफिस्टिकेटेड हम लोग उन इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर हम लोग फंसे हुए होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि करें क्या. सेम वही कंडीशन आपके पास यहाँ पर है. ठीक है, तो रूडीमेंट्री अगर हम लोग देखें तो आपके पास में बहुत बेसिक होती है, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं. उसी का उल्टा अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो वो चीज़ आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लेक्स होती है. ठीक है, चलिए अगले वर्ड पर हम लोग चलेंगे. अगला वर्ड हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो दैट इज एक्लोन्स. अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, देखो पीछे इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है. अगर किसी भी वर्ड में एस या एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस या एस, तो ऐसे कोई भी हमारे हमारे पास में कोई वर्ड होंगे ना जिनमें एस या एस लगा हुआ होगा, तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे. क्यों, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास में एक ही वर्ड की ऐसी कैटेगरी है जिसको हम लोग प्यूरल बना सकते हैं, और किसी अदर वर्ड की कैटेगरी को हम लोग प्यूरल बनाने की सोच भी नहीं सकते. ठीक है, अ लेवल और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन और सोसाइटी. कहीं पर आप सोसाइटी में हो, या किसी प्रोफेशन में हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जैसे कि मान लीजिए कोई रेस होनी थी. ठीक है, उसमें अब हमें ऑर्डर सेट करना पड़ेगा कि किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, जो पहले आ गया उसको पहले रख देंगे, जो बाद में आया उसको बाद में रख देंगे, या फिर हो सकता है वहाँ पर सीनियरिटी के हिसाब से पहले जो थोड़ी जिनकी एज ज़्यादा है उनको आगे रख दिया जाए, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिन्होंने कंपनी को ज़्यादा टाइम दिया है उनको आगे रख दिया जाए. तो सेम टू सेम ऐसे ही ग्रुप बन गए आपके पास में. तो आपके पास एक तरीके से ये नेता लोग होते हैं, नेताओं की बात होती है.
या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैकिंग ऑर्डर, या फिर एक तरीके से जो हम लोग इसका सेंस कन्वे कर रहे हैं ना बेटा, वो रैंकिंग या ग्रुपिंग के सेंस में है, पोजीशन के सेंस में, पिरामिड के सेंस में, या फिर स्केल के सेंस में। अब जैसे अगर पिरामिड की बात हुई है यहाँ पर, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पिरामिड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसका उल्टा जहाँ पर जिनको हम लोग प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, तो वो हमारे पास में एक्सेलेंस हो गए, तो उनको नॉर्मल सी बात है उनको प्रायोरिटीज ये हो गए, ठीक है। तो भैया इनको तो चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि ये लोग अपना सिग्निफिकेंस रखते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका उल्टा जिनकी सिग्निफिकेंस कम होगी, जिनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो उनको हम लोग रख देंगे एंटोनिम्स में। तो इन इनसिग्निफिकेंस हम लोग बोल सकते हैं, लोलीनेस हम लोग बोल सकते हैं, अनइम्पोर्टेंस, अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग बोल सकते हैं, वर्थलेसनेस भी हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में, डिसऑनरस भी हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। या आपके पास में अगर हम लोग देखें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एच ओ एन ओ यू आर आपके पास लिखा होता है, वो होता है यूके के हिसाब से, और आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं एच ओ एन ओ आर, वो आपके पास यूएस के हिसाब से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करने की कोशिश करूँ आपके पास में, तो सी ओ एल ओ यू आर आपके पास यूके वाला हो जाएगा, यूके वाली इंग्लिश है, और सी ओ एल ओ आर हम लोग देखना चाहें तो वो आपके पास में अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो वो US वाली इंग्लिश से होगा, ठीक है। यानी कि अमेरिकन इंग्लिश आपके पास ये है और ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन एक्सेंट जो होता है इंग्लिश का, उसमें कहा जाता है कि जिस वर्ड को जैसा बोल रहे हो वैसा लिखो रहा है, क्यों फालतू किसी स्पेलिंग के झमेले में पढ़ रहे हो, लेकिन हम लोग ऑथेंटिक मानते ऊपर वाली को, ब्रिटिश को। डिसरिस्पेक्ट हम लोग बोल सकते हैं लेक, या फिर इल रेपुट हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जिसकी रेपुटेशन कम होती है फिर खराब होती है। इल को वैसे हम लोग एक सेंस में हम लोग और देखें तो बेड का भी इसमें हम लोग सेंस कर्मे कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज फ्रेटर्निटी। अगर हम लोग बोलें फ्रेटर्निटी, एफ आर ए टी ई आर एन आई टी वाई, फ्रेटर्निटी अच्छा वर्ड है। जहाँ पर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखें टी वाई लिखा हुआ है, तो जिन भी वर्ड में आपके पास में वाई टी वाई लिखा हुआ होता है, वो हर वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अच्छा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नाउन में जो भी होगा उनमें हम लोग ए से एस लगा सकते हैं, लेकिन सब में नहीं लगा सकते, उसमें भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो काउंटेबल होते हैं केवल उन्हीं को हम लोग क्या बना सकते हैं, प्यूरल बना सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं बेटा उनका प्यूरल नहीं बनता है सच्ची में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में बात किसको लेके हुई है, बिरादरी को लेके। बिरादरी की जब बात हुई है, तो बिरादरी जहाँ पर चीज़ें कुछ तो सेम होगी, ठीक है, कुछ तो सेम होनी चाहिए ना, तभी तो हम लोग एक बिरादरी में आएंगे। मान लो आप और मैं एक ही बिरादरी में हो जाए, तो बिरादरी कुछ तो होना चाहिए, या तो कास्ट सेम हो, या फिर अपना एज ग्रुप सेम हो, या फिर एटलीस्ट अपनी कैटेगरी सेम हो किसी जगह किसी सेंस में, तो कुछ तो सेम होना चाहिए। द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडशिप की फीलिंग होती है, फिर सपोर्ट की फीलिंग होती है, या फिर प्यार मोहब्बत की फीलिंग होती है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में। बिटवीन की जगह यहाँ पर हमें अमंग करना चाहिए था, क्योंकि बिटवीन जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वो ओनली फॉर टू होता है, अमंग आपके पास में मोर देन दैट होता है, मोर देन टू होता है, ठीक है। इन द सेम ग्रुप, आपके पास किसी सेम ग्रुप में फ्रेंडशिप की बात होती है, मान लीजिए चार पांच दोस्तों का आपका ग्रुप है, तो वो आपकी क्या होगी, फ्रेटर्निटी होगी, आपकी बिरादरी होगी। अब इन सब में आप देखोगे तो ये सब सेम ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसकी इनकी हम लोग कह सकते हैं फ्रेटर्निटी। अब यहाँ पर सपोज करो इन भैया की दाढ़ी आ रही है, ठीक है, बड़े बड़े ये अंकल जी, इनके हाथ में स्टिक वगैरह कुछ है, तो अब उस कंडीशन में हम लोग इसको फ्रेटर्निटी नहीं बोल पाएंगे, क्यों, क्योंकि सेम एज ग्रुप नहीं हुआ, ठीक। आपके पास में आपने एक मूवी देखी होगी कॉमरेड, ठीक है, कॉमरेड तो किसी को जो हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपके पास में यहाँ पर जब हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके पास उस तरह की फीलिंग को डिनोट करने के लिए आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, तो कैमरेडरी हमारे पास में है, गिल्ड हम लोग बोल सकते हैं, सोरोरिटी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, एफिलिएशन हम लोग बोलेंगे, क्लब बोल सकते हैं, फेलोशिप बोल सकते हैं, फ्रेंड हाउस किनशिप, या फिर ऑर्डर भी हम लोग बोलना चाहें तो वी कैन से दैट। उल्टा जहाँ पर आपके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, प्यार मोहब्बत नहीं है, तो आपके बीच में जब देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई तो होता ही है, ठीक है, ध्यान रखना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भी कोई ना कोई तो होता है, बस अपने को पता नहीं होता होता क्या है, ठीक है। तो एनमिटी हम लोग बोलेंगे, मेलवोलेंस, मेल मतलब समथिंग दैट इज बैड, एनिमोसिटी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, डिसलाइक, एनिमीशिप हम लोग बोल सकते हैं, हेट्रिड हम लोग बोलेंगे, हॉस्टिलिटी हम लोग बोलेंगे, या फिर इल विल हम लोग बोल सकते हैं, इल विल मतलब दूसरों के लिए बुरी भावना हमारे मन में होती है।
परसिस्टेंट, परसिस्टेंट आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी का वर्ड है। परसिस्टेंट वो व्यक्ति होता है तो थोड़ा सा जिद्दी होता है, जैसे कि ये भाई साहब है, बस नहीं हो रहा लेकिन स्टिल करेंगे, ठीक है, आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा स्टिल आप वहाँ पर ट्राई करते हो, तो वो आपके पास में परसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, कंटिन्यूइंग टू डू समथिंग और टू ट्राई टू डू समथिंग इवन दो इट इज़ डिफिकल्ट और अदर पीपल वॉन्ट यू टू स्टॉप, लोग बाग चाहते हैं आपसे कि आप रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ पाओ, लेकिन स्टिल आप वहाँ पर कोशिश करते हो, दैट इज परसिस्टेंट वी कैन से। कॉन्स्टेंट टाइप का होता है, कंटिन्यूअल होता है, एंडलेस, एंड्यूरिंग, इंसिस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, इंसिस्टेंट हम लोग बोल सकते हैं, परपेचुअल हम लोग बोलेंगे, रेंटलेस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसका उल्टा, जहाँ पर आपके कंटिन्यूएशन नहीं होते हैं, ट्राई नहीं होते हैं, बस आप वहाँ पर रुक जाते हो, खुद को एक तरीके से स्टॉप कर लेते हो, तो वो आपके पास में परसिस्टेंट का उल्टा हो जाएगा। ब्रोकन, सीजिंग, सीजिंग का मतलब भी रुकना ही होता है, डिसलॉयल, एंडिंग, इनकॉन्स्टेंट, इंटरमीडिएट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास में जो वर्ड है इंटरप्टेड, कोई चीज़ हो गई, मर्सीफुल आपके पास में कुछ हो गया, तो वो सब आपके पास में परसिस्टेंट के ऑपोजिट में कन्वे हो रही हो। ठीक है बेटा, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग चले। पैल्पेबल, पैल्पेबल आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो वी कैन से प्रैक्टिकल होती, हवा में बातें नहीं होती है, जो चीज़ आपके पास में सच में प्रैक्टिकल होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैल्पेबल, जो हमारे दिखती है, हम स्पर्श कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है, या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जैसे कि हाथ है, तो हाथ में कुछ दिक्कत आ रही है, लग गई है, तो प्रैक्टिकल चीज़ है, दिखेगी उनको, अपेरेंट है, सर्टेन है, कॉन्स्पिक्यूस है, क्रेडिबल है। क्रेड वर्ड आपके पास में विश्वास को दिखाता है, डिटेक्टेबल हम लोग बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि जिसमें आपको चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल पा रही है, तो हर वो चीज़ आपके पास में अगर हम लोग बोलेंगे तो पैल्पेबल हो जाएगी, और पैल्पेबल को प्रैक्टिकल से ध्यान रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। डिस्कर्निबल हमारे पास में है, और डिस्टिंक्ट हमारे पास में है, एविडेंट हमारे पास में है। इसका उल्टा, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है, जहाँ पर हम लोग कन्फ्यूजन में ही रहते हैं, ठीक है, डाउट में रहते हैं, तो डाउटफुल हम लोग बोल सकते हैं, डेबियस। कंसील्ड, जो चीज़ हमसे छुपी हुई है, कंसील्ड और हिडन बहुत हद तक सिमिलर है। एम्बिग्यूस, इम्परसेप्टिबल आपके पास में, इम्प्रोबेबल हमारे पास में है, इनकॉन्स्पिक्यूस आपके पास में, और इनडेफिनेट भी आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। ठीक है बेटा, दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग एंटोनिम में काउंट करेंगे, और वो आपके पास उस साइड पे जो है उनको हम लोग सिनोनिम में रखने वाले हैं ना। चलो, कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कुछ काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, टू लिमिट समबडी और समथिंग टू, या फिर किसी को फोर्स करना, या किसी व्यक्ति को फोर्स करना टू डू समथिंग। स्ट्रेंड हम लोग बोल सकते हैं, एम्प्रेस्ड हम लोग बोल सकते हैं, ऑकवर्ड, स्टिफ, या फिर अनइजी सिचुएशन, या फिर अननेचुरल काम करवा रहे हो जो कि इलीगल होते हैं, तो हर चीज़ आपके पास में कॉन्स्टेंट होती है। आपने देखा होगा ना, बहुत सी बात क्या होता है, किसी को ब्लैकमेल करके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अपना काम निकलवाया जाता है, दैट इज विवश करके निकालना, ठीक है, अपना काम निकालना। उसका उल्टा, वो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, विद रिस्पेक्ट हो रहा है, ग्रेसफुल तरीके से, इनफॉर्मल वे में हो रहा है आपके पास में, स्पॉन्टेनियस वे में हो रहा है, नेचुरल वे में हो रहा है, रिलैक्स्ड वे में हो रहा है, इजी गोइंग हो रहा है, तो वो सब आपके पास में कॉन्स्टेंट के ऑपोजिट होंगे। अगला वर्ड है बेटा हमारे पास में रिप्रेशन। रिप्रेशन की जब हम लोग बात करने की कोशिश करें तो पीछे लगा हुआ है आई ओ एन या फिर ओ एन, ऐसे वर्ड जो आई ओ एन या फिर ओ एन आपके पीछे लिखे हुए आपको दिखे वहाँ पर, तो समझ जाना भाई कि वहाँ पर आपके पास वो भी नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करने वाला एक वर्ड है। किसी को हम लोग क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, दबाते हैं किसी को, जैसे कि कोई आतंकवादी गतिविधि हो गई और उसकी वजह से हड़कंप पहुँच गया सब तरफ से, और उस चक्कर में लोग बाग आपस में एक दूसरे को मारने लग गए, दंगे हो गए, ठीक है, तो उस चीज़ को दबाने के लिए फिर वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं, और जब जैसे ही वो पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं तो सबको फिर कूट कूट के मिटा देती हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लोग बाग मानते थोड़ी हैं फिर एक बार, ठीक है, उनके तो बस चाहिए। द यूज ऑफ फोर्स टू रेस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल अ सोसाइटी और अदर ग्रुप ऑफ पीपल, जो थोड़ा सा वॉयलेंस कर रहे होते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इनको ऑपरेशन हम लोग बोल सकते हैं। सप्रेशन, किसी को दबाना, कंट्रोल करना, रेस्ट्रेंट करना, या फिर चीज़ों को लिमिट करना भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। उल्टा इसका देखा जाए, जहाँ पर लोग बागों को बहुत तक फ्रीडम होती है, अब फ्रीडम देखो, ये दिक्कत ही तो होती है कि लोग बाग फ्रीडम का गलत मायने निकाल देते हैं। अब आपके पास में फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता कि आप दंगे फसाद कर दो, ठीक है, उस चीज़ की फ्रीडम तो है ही नहीं ना, बट अगर हम लोग यहाँ पर उस चीज़ का मीनिंग देख रहे हैं कि दबाना होता है, तो उसका उल्टा किसी को फ्री कर देना, टू सेट फ्री। अरे कहाँ चला गया,
टू सेट फ्री, ठीक है, किसी को लिबर्टी प्रोवाइड करवाना, किसी को एक्विट कर दिया हम लोगों ने, बरी कर दिया, किसी को रिलीज कर दिया है, तो हर वो चीज़ आपके पास में जो रेप्रेशन के मीनिंग को दिखा रही है, ये उसके उल्टे मीनिंग के सेंस में, यानी कि अपोजिट के सेंस में अगर लेना है तो आपके पास ये सारे वर्ड यूज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में आज तक की हमारे पास में मतलब अभी तक की जो वोकैबुलरी थी सेशन की, ये हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो फिलर्स वाली बात हो जाएगी। फिलर्स हम लोग यहाँ से देखेंगे। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, द ब्लैंक स्पेस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट फिल्ड द रूम एज द कंसर्ट बिगिन। तो आपके पास में बेटा यहाँ पर भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, चार ऑप्शंस गिवन है, आप लोग प्लीज कमेंट करना मुझे, ताकि मुझे पता पड़े कि हाँ आपने चीज़ों को सीखा या नहीं सीखा। और जिनको आंसर चाहिए भाई, तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो जिनका भी राइट आंसर होगा, जिनका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, उनके कमेंट को मैं हार्ड दूंगा, ताकि पता लग जाएगा कि इनका आंसर ठीक है, और लोगों को जिनको दिक्कत आ रही होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट हिज ब्लैंक स्पेस सर्कमटेंसेज ही मैनेज्ड टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वो इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है और अच्छी सोचता है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं आशावादी, और हर चीज़ में अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिविटी उसके पास में होती है। यहाँ पर भी आपके पास में चार ऑप्शन गिवन है, लोग प्लीज़ आंसर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन सा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, द गवर्नमेंट्स ब्लैंक स्पेस पॉलिसीज लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द पॉपुलेशन। यहाँ पर भी आपके पास में बेटा चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो आपके पास में इनमें से आपको एक का आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, वी हैव हियर, शी हैड टू ओवरकम न्यूमरस ब्लैंक स्पेस टू अचीव हर गोल्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड। यहाँ पर भी आपके पास में चार ऑप्शंस गिवन है, आप लोग को कमेंट करना। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में, द ब्लैंक स्पेस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान नीडेड फॉर द डेवलपमेंट टू बी इफेक्टिव। तो यहाँ पर भी आपके पास में अगर हम लोग देखें बेटा, तो चार ऑप्शंस आपके पास में गिवन है, प्लीज़ आप इनके आंसर करेंगे, और जहाँ पर भी दिक्कत आए प्लीज़ लेट मी नो, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इसका ऐसे करवा दीजिए, ठीक है। देखो हमेशा मेरी चीज़ें आपके लिए सजेस्टिव मैनर में होगी, आप लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़ लिख दिया करो, ताकि मैं उसके आंसर आपको प्रॉपरली कर पाऊँ, और मैं सबके आंसर करता हूँ, अगर आप कुछ पूछते भी हैं तो मैं आंसर करता हूँ हर चीज़ का, ठीक है बेटा। तो आज की हमारी जो बात होगी वो यहीं तक होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। चिल्ड्रन ठाड़ा, बाय, गुड नाइट, हैव ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, हैव ग्रेट डे।